तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को कलर लट्स दे रहा हूँ, सिनेमैटिक कलर लट्स। तो सिनेमैटिक सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा है, सिनेमैटिक कलर लट्स। ये मैं आप लोग को दे रहा हूँ दो फोल्डर पे, एक फोल्डर में करीब 300 के आसपास होंगी, एक फोल्डर में करीब 100 के आसपास होंगी। ये फोल्डर को आप लोग को डिफेक्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करना है, और लिंक से डाउनलोड करने के बाद इसे कहाँ पे कैसे लोड करना है और कैसे वर्क करेगी ये सब मैं भी आप लोग को बताऊंगा। मैंने तो आज आप लोगों को इंट्रो देना भूल ही गया। तो मैं फ्रेंड्स एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी से निखिल ताम्रकार आप लोग को लट्स चलिए यूज करना बताता हूँ। मैंने अपना इंट्रो दे दिया, अभी भी थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग मुझे कमेंट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ट्यूटोरियल बना के दे पाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन ले लेते हैं फोटोज। पहले मैं आप लोग को लक्स को चलाना बता रहा हूँ फोटोशॉप पे। मैं सभी में एक एक लक्स का यूज करना आप लोग को बताऊंगा। ये अपनी सारी फोटोज खुल गई। सीधा फ्रेंड्स कलर लुक पे जाना है। ये लक्स वाला मार्किंग है आपका बॉक्स है, इधर से आपको ये लक्स जो मैं आपको देने वाला हूं वो आप इधर से निकाल सकते हैं। तो अपन लक्स सब लगा के देखते हैं। मैं आप लोग को इधर कीबोर्ड के एरो कर्सर से आप लोग को बताऊंगा कैसी लक्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपको पसंद आए उसे आप लगा सकते हैं। मैं एक ये लक्स लगा के दिखा रहा हूं। ये देखिए, कंट्रोल आई से आप मास्क कर लीजिए, और इसके बैकग्राउंड वर्क में चाहिए वो कलर तो बैकग्राउंड पे कर सकते हैं। सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट के अंदर यूनिवर्सल बैकग्राउंड हो जाएगा, और सीधा रेजर टूल से उठा करके इसके बैकग्राउंड पे आप वो कलर दे सकते हैं सिनेमैटिक का। मैं भी बैकग्राउंड पे देके बता रहा हूं क्योंकि इस गर्ल्स की फोटोस अच्छी है। ये देखिए, कंट्रोल ई से सिंगल लेयर करके अब आप कलर को अपने अकॉर्डिंग ऐसे आई। मैं आपको दूसरी फोटोज दिखाता हूँ। ये वेडिंग की फोटो है, इसमें भी अपन सिंगल कर लू, इधर से जा करके जो कलर्स अच्छे लग रहे हैं आपको तो दे सकते हैं इसमें। ये सिनेमैटिक कलर कहलाते हैं सर। ये देखिए, ये मैं लगा रहा हूं इस कलर को। पहले ऐसी थी फोटो, अब ऐसी है। कंट्रोल आई सिलेक्टेड, सिलेक्ट सब्जेक्ट, वो आपके ऊपर, यदि आप पूरी फोटो से चाहते हैं पूरी फोटो से लगा सकते हैं। मुझे ये ऐसे अच्छी लग रही है इसलिए मैं ऐसे करके सिनेमैटिक कलर के लिए कलर लुक दे रहा हूँ। ये देखिए,
इससे भी आपको दिखाता हूँ। बस अगर आप बढ़िया सिनेमेटिक कलर देते हैं इसका, ये देखिए। अच्छा, ये जो कलर आपको चाहिए था वो कलर आपको मिलेगा, ये देखिए। अभी ये फोटो से अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा है, इसलिए फिर वही ऑप्शन कंट्रोल आई सिलेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि फोटो के ड्रेस के कलर बदल जाए। ड्रेस का कलर नहीं बदलना चाहिए। और रेजर टूल से ये देखिए, आपकी फोटो काफी अच्छे सिनेमेटिक कलर पे आ चुकी है। ये इससे भी दिखाता हूं, ठीक है, से बैक से चालू होता हूं। अब देखिए येलो टोन की फोटोज और भी प्यारे सिनेमेटिक कलर पे, ये देखिए कंट्रोल आई सब्जेक्ट। अभी अपने को कुछ ना कुछ तो देना ही है, तो बैकग्राउंड को या ड्रेस को बैकग्राउंड को सिलेक्ट सब्जेक्ट, और बस ताकि बैकग्राउंड को दे दीजिए एक सिनेमेटिक कलर। ये देखिए फोटोज आपकी और अच्छी और खूबसूरत सी लगने लगी। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आप लोग को लगाना और इसे चलाना बता दिया है। अब अपन इसे डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, जिस लिंक से थ्रू आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। मैं इसे डाउनलोड कर रखा हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं। ये निखिल तांबेकर कलर 3D लक्स के नाम से है, इसे एक्स्ट्रा क्लियर कर लेंगे। इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, वो आप लोगों को वीडियो में मिल गया होगा। क्लियर कर लीजिए, छोटा सा फाइल है। इसके अंदर आपको ये से दो फोल्डर मिलेंगे, तो इन फोल्डर्स को बस कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी कर लेते हैं और माय कंप्यूटर सी ड्राइव एडोब प्रोग्राम फाइल एडोब के अंदर आपके पास जो वर्जन हो फोटोशॉप का सीसी से लेकर के उन सब में कलर लक्स यूज कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप इधर लिखा होगा प्रीसेट, प्रीसेट के अंदर 3D लक्स ये लिखा हुआ है, 3D लक्स इधर चले जाएंगे। ये मेरे पास पहले से लोड है, इसलिए मैं इसे फिर से पेस्ट करता हूं। मुझसे रिप्लेसमेंट बोल रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ पे दोनों फोल्डर को डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, अपन ने कलर लट्स का यूज करना सीखा। इस कलर लट्स को यूज करने के बाद आपको कहीं पे भी प्री वेडिंग की फोटो हो, चाहे वो प्री बर्थडे की फोटो हो, चाहे वो वेडिंग की फोटो हो, डे की फोटो हो, हल्दी की फोटो हो, या वेडिंग के किसी फंक्शन की फोटो, आप सभी फोटो को सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।